चले। मैं कहीं नहीं जा रही मुराद। आप यहां रहना क्यों जाती हैं द्वाजी? इतना सब कुछ होने के बाद भी किस बात की उम्मीद है आपको? यह उम्मीद है कि आजान भाई आएंगे। आपने देखा नहीं, किसी भीगी बिल्ली की तरह बेगम साहिबा के पीछे अंदर चले गए थे वो। तो तुम्हें क्या है, तुम यहां क्यों खड़े हो? जाओ यहां से। आपको बाहिफाजत पहुंचाना जिम्मेदारी है मेरी। तुम रहने दो, मुझे रास्ता मालूम है, मैं खुद चली जाऊंगी। रास्ता मालूम था तो भटकी क्यों? दुआ, मैं किसी भी हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शहर नहीं, ये जंगल है। यहां इंसान बासानी किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। बाहर इंतजार कर रहा हूं, सामान पैक हो जाए तो आ जाना। मुराद, खैरियत? बुलाया तुमने? दुआ क्या कर रही है आप? आपकी अमानत वापस करने आया। अमानत? क्या मतलब? बेगम साहिबा नहीं चाहती कि दुआ जी उनके घर में रहे। आप बाहिफाजत उन्हें उनके घर छोड़ाएंगे या मैं ले जाऊं? नहीं, ठीक है, मेरे गांव से हैं, ऑफ कोर्स मेरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ख्याल रखिएगा। चलें। आप मुझे कहाँ लेकर जाओगे? ऑफ कोर्स घर लेकर जाऊंगा।
जब मेरी मेरे शोहर के घर में जगह नहीं है तो फिर मैं आपके लिए मुसीबत क्यों बनूं? देखो दुआ, तुम इस सिचुएशन में नहीं हो सोचने समझने के। घर चलते हैं, इत्मीनान से बैठते हैं और इंतजार करते हैं आसान का, वो संभाल लेगा सिचुएशन। चलो। नहीं, मैं इस तरह आपके साथ आपके घर नहीं जा सकती। फिर कहाँ जाना है? आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए, मैं हैदराबाद जाऊंगी अपने चाचा के घर। लेकिन बस फैसला हो गया, आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए। जी पागल लड़की है, बस स्टॉप पे छोड़ दे। देखिए दुआ और अजान जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।